अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आप जल्दी उठो, अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी उठो, 4 बजे। मैं आपको गारंटी देता हूं, जो रात के टाइम पे आप पढ़ते हो और जो सुबह के टाइम पे आप पढ़ते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं, जो 4 घंटे में आपने रात को पढ़ा है, सुबह वो काम 2 घंटे में हो सकता है। उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, हमारे भारतीय शास्त्रों में उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। सुबह 4 बजे बहुत सारे देवी देवता विचरण करते हैं, बहुत अच्छी हवा चलती है, फुल ऑफ ऑक्सीजन होती है, इतनी फ्रेश हवा आपको पूरे दिन में कभी नहीं मिलेगी। अब आप लोग कहेंगे, सर ये क्या बातें कर रहे हो आप, साइंस के जमाने में देवी देवताओं की बातें कर रहे हो। साइंस भी मानता है इस चीज को समझिए, जो प्योर सोल्स होती हैं वो सुबह 4 बजे से 5 बजे तक, यू नो लेट मी क्लियर यू, अगर आप जाग रहे हो उस टाइम पे, सो वो प्योर सोल्स आपको सपोर्ट करती हैं, होती हैं ऐसी चीजें, इस चीज को समझिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सारी प्योर सोल्स होती हैं, बहुत सारी प्योर ऑक्सीजन होती है, और आपके माइंड का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है, मेंटल कॉन्सेंट्रेशन लेवल, वो अनबिलीवेबल होता है, बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है, और जो आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में छप जाता है, इतनी ज्यादा पावरफुल होती है आपकी मॉर्निंग। करने के बावजूद भी आपका हेयर फॉल होता है, यानी कि बाल झड़ते हैं, अगर ऐसा है तो आपका शैम्पू इस्तेमाल करने का तरीका शायद सही नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर बिना तेल लगाए आप लोग शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपके बाल ड्राई होते हैं और उसी से आपके बाल झड़ने लगते हैं। इसीलिए शैम्पू इस्तेमाल करने से 1 घंटा पहले आप चंपी जरूर करें, यानी कि अपने बालों में तेल जरूर लगाएं। इससे आपके बाल सॉफ्ट होंगे और मजबूत भी होंगे।